हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो भैया, आज है तारीख 11 सितंबर। 11 सितंबर मतलब अगस्त का जीएसटी वन सर फाइल करना है फॉर मंथली टैक्स पेयर 11 सितंबर, और अगर कोई QRMP स्कीम को ऑप्ट इन किया हुआ तो उसके लिए 13 सितंबर है सर। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम जीएसटी पोर्टल पे अपनी रिटर्न को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक एरर दिखता है। वो एरर क्या होता है सर? वो एरर कुछ ऐसा होता है, प्रोसेस्ड विद एरर। जीएसटी वन को अपलोड करते हैं, ऐसा एरर हमारे पास आ जाता है। ठीक है सर, चाहे हमारे पास टैली का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, चाहे हमारे पास टैली का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, तो ये एरर आ जाता है। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है, जिसमें हम ये एरर भी देखेंगे और ये सॉल्यूशन भी देखेंगे, साथ ही साथ हिडन ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है। आपको लग रहा होगा सर ये एरर तो हमें भी पता है, हम भी इसको दूर कर लेते हैं, बट ये जो एरर आज के साथ आपके साथ जो डिस्कस किया जा रहा है उसमें कुछ स्पेशल ट्रिक है टेली प्राइम के साथ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहा, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी अगर इसके साथ कभी परेशान रहे, आपने भी प्रॉब्लम को फेस करा है, जो अभी आप आगे देखना, अभी मत कमेंट करना, आगे देख के कमेंट करना कि एक्चुअली अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी एक्चुअली वजह कुछ और है, एक्चुअली वजह कुछ और है। जनरली प्रोफेशन वाली चीज़ अलग हो गई कि सर 4 डिजिट का HSN कोड डालना था, 6 डिजिट का HSN कोड डालना था, वो एक अलग चैप्टर है, बिल्कुल नया सर एक आपके लिए वीडियो है और नई प्रैक्टिकल एक वे है। सो इसको बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, और अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करिए था तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है सर, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और सर हम आते हैं सबसे पहले जीएसटी पोर्टल के ऊपर। जीएसटी पोर्टल पे आप देखेंगे सर, मैंने अगस्त तक का अपना जीएसटी वन फाइल कर दिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे सितंबर का रिटर्न आपको जो है वो दिखाऊंगा कि वो कह रहा कैसे एरर आ रहा है। अगस्त का मैंने ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ। मैं सर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आया। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आने के बाद मैंने फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करा सर, मेरे को रिटर्न फाइल करनी है। और इसके बाद आप देखेंगे सर, यहाँ पर मैंने सितंबर मंथ ले लिया, बिकॉज अगस्त की मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ, तो मैं सितंबर पे आपको उसका एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। सर सितंबर को मैंने ऑन कर लिया, यहाँ पर प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। टैली से JSON फाइल बना के या GST ऑफलाइन के थ्रू JSON फाइल बना के आप इसको अपलोड करते हैं। सर मैंने प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करा, हम देखते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके के एरर आते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके के एरर आते हैं। ठीक है सर, तो मैं आपको टैली के ऊपर भी लेके चलता हूँ। ये हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गए सर। सितंबर मंथ का हमने जीएसटी वन को ओपन किया हुआ है, सितंबर मंथ का जीएसटी वन ओपन है। आप यहाँ पे देखेंगे सर, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, इसकी JSON फाइल को सर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। मैंने ऑल्ट ई की को प्रेस करा फॉर एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है सर ई रिटर्न का, हमने ई रिटर्न के ऊपर सर क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया ई रिटर्न के ऊपर। ई रिटर्न के ऊपर एंटर प्रेस करने के बाद हमने यहाँ से JSON फाइल को सर सेलेक्ट कर लेना, हमने JSON फाइल को सर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, ये हमें नहीं करना, बिकॉज हम मंथली टैक्स पेयर हैं। QRMP वाले होते हैं तो उन्हें किसी भी क्वार्टर के शुरुआती 2 महीने में केवल B2B की डिटेल, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट और सेल की डिटेल अपलोड करनी होती है। लास्ट वाले क्वार्टर के लास्ट मंथ के अंदर उन्हें HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी सब कुछ देना होता है, ये सभी आपको पता है। सर फोल्डर पाथ हमने ले लिया, हम इसको डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे सर। ठीक है, फाइल नेम हमने ले लिया। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक्सपोर्ट HSN समरी, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी। इनको मैंने सर यस यस कर दिया और कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया फॉर एक्सेप्ट द स्कैन, और सेंड की के ऊपर एंटर प्रेस कर दिया, और ये सर मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल हो गई। आप देखेंगे यहाँ पे सर कोई भी एरर नहीं है। मैं आपको HSN समरी के ऊपर भी दिखा देता हूँ, मेरी HSN समरी सर बिल्कुल बढ़िया है। 4 डिजिट का मेरे पास कोड है सर, क्योंकि आपको पता है कि 5 करोड़ रुपये से अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है तो जीएसटी वन में HSN समरी में उसे 4 डिजिट डालनी है। अगर 5 करोड़ से सर ज़्यादा का टर्नओवर है तो उसे 6 डिजिट डालनी है। ये सर मैं नहीं कह रहा, ये जीएसटी का पोर्टल कह रहा है। मैं आपको एक बार पोर्टल पर दिखा भी देता हूँ। ये हमने जीएसटी की एक साइड में वेबसाइट और ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 26 अगस्त को एडवाइजरी आई है सर जीएसटी पोर्टल पे, एडवाइजरी ऑन HSN एंड जीएसटी वन समरी। यहाँ पर सर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट का जो है HSN कोड मेंशन करना है। नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड टू बी रिपोर्टेड इन GSTR 1। ठीक है सर, अगर आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है, अबव 5 CR है, तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना है। ठीक है, ये सभी को पता था और मुझे पता था ये एरर आपको भी पता है, यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि ये एरर आता है, सो अगर आपके पास ये एरर आता है तो आप इसको फॉलो करें। ठीक है सर, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मेरे पास ऑलरेडी 4 डिजिट का सर HSN कोड है, मेरा 6 डिजिट का HSN कोड नहीं है, बट फिर भी एरर आएगा। ठीक
ठीक है। मेरा टेली प्राइम बिल्कुल सर 2.0 अपडेटेड है, टैक्स रेट वगैरह सब कुछ आ रहा है। मैं आपको एक बार टेली प्राइम दिखा भी दूंगा, तो 2.0 मेरा अपडेटेड है, टैक्स रेटेड वगैरह सारी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी है, बट फिर भी एरर आ रहा है, फिर भी एरर आ रहा है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सर मैंने इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दिया, JSON फाइल को, चूज फाइल सर मैंने करा, यहाँ पर डेस्कटॉप पे आया मैं, JSON 1 लिखा मैंने सर, और आप देखेंगे ये 11/9 मतलब आज की तारीख 5 बजे जो अभी अभी मैंने एक्सपोर्ट की है, और अभी जो टाइम भी हो रहा है मेरे सिस्टम में आप देखेंगे 5:02 हो रहा है, मतलब अभी का लेटेस्ट फाइल है ये। मैं सर इसको अपलोड कर देता हूँ, मैंने सर इसको अपलोड करा, जैसे ही मैंने इसको अपलोड करा तो आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे सर 11/9 जो कि आज की तारीख है, 5:02 जो कि अभी का समय है, और यहाँ पर क्या आया सर ऑप्शन, प्रोसेस्ड विद एरर, प्रोसेस्ड विद एरर जनरेट एरर रिपोर्ट, ठीक है सर ये एरर आ गया, जबकि मेरा HSN कोड भी सही है, सब कुछ ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये एरर क्यों आता है और आपको दूर कैसे करना है, ये टेली प्राइम के थ्रू आपने इसको कैसे दूर करना है, तो सर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आते हैं टेली प्राइम के ऊपर, हम सर टेली प्राइम के ऊपर आए, HSN समरी के ऊपर हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो ये HSN समरी जो है ये मेरा HSN कोड है 9983-9983, जो कि बेसिकली सर्विसेज का HSN कोड है। किसका HSN कोड है सर, कंसल्टिंग सर्विसेज का HSN कोड है, चाहे वो IT से रिलेटेड हो, ठीक है। मैं इसके ऊपर आपको एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ एक बार, मैंने ये जो करा है टेली का एक TSS रिन्यूअल करा है, टेली का मतलब टेली सॉफ्टवेयर का, TSS जो टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती है उसको रिन्यूअल करा है, और बहुत सी जगह पे देखने को मिलता है हम सर्विसेज को आइटम इनवॉइस की तरीके से चढ़ाते हैं। ये हमने सर कैसे चढ़ाया इसको, हमने इसको चढ़ाया आइटम इनवॉइस की तरह, सर्विसेज को हम आइटम इनवॉइस की तरह चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्वांटिटी 1 पीस, ये मैंने कैसे चढ़ाया सर, मैंने आइटम इनवॉइस की तरह चढ़ाया, पर जो इसका HSN कोड है, जो इसका HSN कोड है वो क्या है सर, जो HSN कोड है वो क्या है, वो SAC वाला है, 9983 वाला, और आपको पता है सर JSTF 1 में जो डिटेल जानी है वो HSN कोड की जानी है, SAC की जो डिटेल जाती है उसके अंदर UQC नहीं जाता, मतलब आपने क्या आइटम कितनी क्वांटिटी में भेजा है वो नहीं जाता, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ, ठीक है। आप कभी भी सर्विसेज को सेल करते हैं SAC कोड की आप डिटेल देंगे, बट आप वहां पे क्वांटिटी नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि वो तो आप कोई आइटम थोड़ा बेच रहे हो, कोई आइटम कोई रॉ मटेरियल थोड़ा बेच रहे हो जो आपको बताना है फिजिकल मोड में, वो तो आप बेच ही रहे, तो आप तो ये बेसिकली एक सर्विस है एक तरीके से। तो यहाँ पर टेली प्राइम में आपको क्या करना है सर, हम करते क्या है जनरली, सभी अकाउंटेंट की प्रैक्टिस होती है, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको कंट्रोल एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ मैं GST डिटेल में आया, मैंने यहाँ पे यस की को प्रेस करा, आप पहले देख लो आपको करना ही चढ़ाना, आपको आइटम इनवॉइस की तरह अभी भी आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सर्विसेज का है आपने आइटम में चढ़ाया, आपको आइटम में चढ़ाना है, आपने पीसीज में सर इसको क्रिएट करा है पीसीज में आपने क्रिएट करना है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है 1% भी, बस आपने करना क्या है, आपने क्या करना है सर, आपने ये जो मैं एक बार आपको HSN कोड भी दिखा दूँ, HSN कोड आप देखोगे सर मैंने यहाँ पे 9983 डाला हुआ है सॉफ्टवेयर करके, है ना, ठीक है सर। आपको करना क्या है कि टाइप ऑफ सप्लाई में केवल गुड्स की जगह सर्विसेज कर देना है, बस इतना काम करना सर, करके देख लेते हैं। हमने क्या करा सर, यहाँ पे गुड्स की जगह हमने कर दिया सर्विसेज, अब इससे होगा क्या देखना, कंट्रोल A की को मैंने सर प्रेस करा, मैं बैक आया यहाँ से, और यहाँ से क्या हुआ HSN समरी में से यहाँ से हट गया, और यहाँ पे UQC क्या आ गया, UQC क्या आ गया, NA आ गया, NA आ गया मतलब नॉट एप्लीकेबल, टाइप ऑफ सप्लाई क्या आ गया, सर्विसेज आ गया, पहले यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई क्या था देख लो दोबारा से, मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज चीज को समझना जरूरी है। कंट्रोल एंटर की को प्रेस करा मैंने यहाँ पे सर गुड्स कर दिया, जैसे ही मैंने गुड्स करा और बैक आया मैं, तो ये क्या हुआ सर, टाइप ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है गुड्स, और UQC क्या आ रहा है पीसेज में आ रहा है, अब UQC पीसेज में आ रहा है, और इस ये HSN कोड नहीं है, ये SAC कोड है, SAC कभी भी पीसेज में सप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए आपका एरर हमेशा बना ही रहेगा, आपका एरर हमेशा बना ही रहेगा। तो इस चीज को बड़े तरीके से समझ लो सर कि आपको कोई भी सर्विसेज जो आप आइटम इनवॉइस की तरह ट्रीट कर रहे हो, पर वो आपको गुड्स में लेके ट्रीट नहीं करनी है, आपको सर्विसेज में लेके ट्रीट करनी है, ठीक है सर। मैं अब इसको सर्विसेज में कर देता हूँ, फिर हम इसकी एक बार JSTF 1 को अपलोड करेंगे। ये सर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल एंटर की को प्रेस करा मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सर्विसेज, कंट्रोल A की को अगेन प्रेस करा सर, बैक आया, बैक आने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा HSN समरी के अंदर सर, HSN समरी में आप देखोगे टाइप ऑफ सप्लाई आपकी सर्विसेज हो गई है, और UQC आपका NA हो गया। अब मैं सर इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, Alt E की मदद से ई रिटर्न करा मैंने, JSON फाइल में आया सर, डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को लेके जाऊंगा, ठीक है सर,
और फाइल नेम हो गया, सब ये सारी चीज़ें मैंने सर प्रिपेयर कर दी और कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया, एक्सेप्ट द स्क्रीन, सेंड कर दिया सर। पहले से फाइल है मैं उसको ओवरराइट कर दूंगा, मेरी फाइल सर डेस्कटॉप पे आ गई है। मैं पोर्टल के ऊपर आऊँगा, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा सर, डेस्कटॉप पे से फाइल को उठाऊँगा। ये फाइल आप देखेंगे सर 11/9 की फाइल है, मतलब आज की तारीख 7:07 हो रहे हैं सर, और आप मेरे पीसी के अंदर भी देखेंगे तो अभी 7:07 हो रहे हैं, ठीक है सर। मैंने इसके ऊपर एंटर की को प्रेस करा, ये फाइल सर मैंने अपलोड कर दी और आप देखेंगे इन प्रोग्रेस है। मैं एक बार सर रिफ्रेश की को प्रेस कर दूंगा यहाँ पे और ये सर मेरी प्रोसेस्ड हो गई बिल्कुल तरीके से। क्या हो गई सर, ये मेरी फाइल प्रोसेस्ड हो गई। तो ये मेन मुद्दा था, इसके बारे में अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। 4 डिजिट 6 डिजिट का सबको पता है, अप टू 5 CR 4 डिजिट आपको GST 1 में मेंशन करनी है HSN समरी के अंदर, और अबव 5 CR के अंदर आपको 6 डिजिट को मेंशन करना है, ये सभी को पता है। अब मैं सितंबर महीने के अंदर आता हूँ सर और प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा जिससे कि मैं आपको इनवॉइस दिखा सकूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सर एक इनवॉइस आपका मेंशन हो गया B2B के अंदर, और साथ ही साथ सर आपकी HSN समरी भी जो है वो मेंशन हो गई प्रॉपरली। हम एंटर की को सर प्रेस करेंगे और जो चीज़ हम चाह रहे थे वही यहाँ पे सर होगी। हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे ये, क्योंकि हमारा जो UKC है वो NA है, मतलब नॉट एप्लीकेबल है। तो सर ये मैटर था सारा, ये कहानी थी सर सारी। सो भाई मैं आशा करता हूँ सर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी अगर इस प्रॉब्लम से सर फेस कर रहे थे तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा, जिससे कि सर मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाऊँगा। और बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।